रेल लाइनों के नीचे बनाए गए अंडरपास शहरवासियों और क्षेत्रवासियों के लिए बने परेशानी का सबब। अमूमन हर अंडरपास के नीचे भरा रहता है कई कई फुट पानी। लोग आवागमन के लिए होते हैं परेशान, रेल अधिकारी नहीं करते सुनवाई। रेलवे द्वारा अजमेर शहर में रेल लाइनों के नीचे बनाए गए अंडरपास शहरवासियों और स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। अभी तो मानसून की बारिश शुरू भी नहीं हुई, लेकिन अंडरपास में पानी लबालब भरा हुआ है। मदार क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के नज़दीक बनाए गए अंडरपास में भरे पानी से आवागमन नहीं हो पा रहा। लोगों को मजबूरीवश गंदे और कीचड़ से भरे पानी में से होकर निकलना पड़ता है। कई लोग तो इसमें गिरकर दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। रेल अधिकारियों का यहां से आवागमन होता है, लेकिन सरकारी वाहन में जाने की वजह से उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार रेल प्रशासनिक अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन उनके कानों पर कोई जू नहीं रहेगी। लोगों ने बताया कि अभी तो थोड़ा बहुत आवागमन हो पा रहा है, जैसे ही बारिश पड़ेगी वैसे ही ये रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा। इस अंडरपास में कई कई फुट पानी भर जाएगा, इसी के साथ दोनों ओर का संपर्क भी कट जाएगा। ऐसे में कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है जिससे व्यक्ति अजमेर शहर की ओर आ जा सके। एकमात्र रास्ता है जो काफ़ी लंबा चक्कर लगाकर ओवरब्रिज के ऊपर से होकर जाता है। ऐसे में मदार क्षेत्र के लोग इस अंडरपास की वजह से भारी परेशानी उठा रहे हैं। रेलवे को इस ओर ध्यान देते हुए जल्द से जल्द इस समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अंडरपास की है, ये अंडरपास साल भर पहले से चालू कर दिया है इन्होंने, जबकि इसके अंदर तकनीकी खराबियां बहुत कुछ है। उसके साथ ही आज कंडीशन ये है कि बारिश अभी तक तो आई नहीं है। पिछली बारिश में भी यहाँ के क्षेत्रवासी सब परेशान हुए, और अब बारिश फिर सर के ऊपर है। उसके बावजूद रेलवे प्रशासन इस पानी को नहीं निकाल पा रहा है। ये पानी कहाँ से आ रहा है इसका कोई पता नहीं लगा रहा है, और न इसकी कोई रिपेयरिंग कर पा रहा है। आपने कहाँ कहाँ शिकायत करी इसके बारे में? इस मामले में क्षेत्रवासी, यहाँ के वार्ड पार्षद भी 2-4 बार DRM तक अपनी कंप्लेंट लेके गए, उनको अपना दुख सुनाया, लेकिन कोई भी इस बात पर ध्यान देने वाला नहीं है। यहाँ तक कि पार्षद ने इसकी एक बार झाड़ू लगा के सफाई भी करवाई, लेकिन आज ये जो मिट्टी भरी पड़ी है, ये कल बारिश के अंदर फिर कीचड़ बनेगी और फिर लोग इसमें गिरेंगे। रेलवे प्रशासन इस मिट्टी को भी साफ नहीं करा सक रहा, तो इसको रिपेयर कब कराएगा? आज अगर ये हाल रहा तो इसके ऊपर 1000 ट्रकों का माल लेके मालगाड़ी भागने वाली है, उसमें लोड कितना होगा? वो लोड से ये पुलिया कभी भी बैठ सकती है और क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप क्या चाहते हैं? मतलब हम ये चाहते हैं कि इसमें पुलिया का ऐसा सुचारू रूप से व्यवस्था करी जाए जिसके अंदर ये पानी की समस्या हल हो जाए, ताकि माँ बहनें और सब इसमें से जा सके। आज इस एरिए के अंदर हिंदू, मुसलमान, ईसाई सबके कब्रिस्तान है। यहाँ से सब बॉडी लेके जाने के अंदर इस पानी में से निकलना पड़ता है। ये पिछली बार भी यही था और ये हाल अभी भी है। हम चाहते हैं कि कम से कम सब यात्रा तो ऐसे जावे जिससे कि आदमी संतुष्ट रहे, शांति से उसका संस्कार करे, लेकिन यहाँ तो कीचड़ के दाग लगते हैं और वो वजू करे बगैर उनको दफनाना पड़ता है। ये आर्य वैसा जैसे पुलिया बनी है, बनी तो सुविधा के लिए है, लेकिन यहाँ क्या बरसात के दिनों में 1 महीने बाद तक और बाद में भी 2 महीने तक इसमें पानी भरा रहता है। पानी भरने से इधर से उधर निकलने में बड़ी परेशानी होती है। ये रेल रोड पुलिया रेलवे का कार्य के लिए बनाई गई है, क्योंकि आगे वर्कशॉप है। यहाँ से रेलवे का स्टाफ भी जाता है, अधिकारी भी जाते हैं, कर्म सब जाते हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी अनदेखा कर रहे हैं बिल्कुल इस बात को। उनको कोई चिंता नहीं, वो कार में बैठ के निकलते, गाड़ी में, सरकारी गाड़ी है, अगर अपनी गाड़ी में निकले तो उनको पता पड़े, सरकारी गाड़ी में निकलते हैं वो, तो उनको वो चिंता तो है नहीं किसी बात की, कौन भीग रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो किसको क्या परेशानी है, किसकी गाड़ी का नुकसान हो रहा है, किस में क्या हो रहा है, किसी में कांटे चुभ रहे हैं, किसी में कुछ कील भाटे चुभ रहे हैं, पानी में पारते कील पंचर होती है, गाड़ी टायर खराब होते हैं, इस बात को देखने वाला कोई नहीं है। रिपेयर तो सिर्फ एक टेंडर निकाल के ये ताजिया खड़ा करे, दूर हटके एकदम, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसे अपने घर में करके देखे तो उनको पता पड़ा अधिकारियों को कि कैसे कार्य होता है।
इसलिए हमको इसमें पानी से और इसको पुलिया कवर करके इस आने जाने के रास्ते से छुटके मतलब जो परेशानी उससे निजात दिलाई। और ये परेशानी है पानी की समस्या, मेडर से परेशानी दूर हो जाए तो पैदल निकल वालों को तो परेशानी है ना, चलो ऊपर तो निकलने नहीं देते, नीचे जावे तो गोटे गोटे ना पानी भरा, बोलो लेडीज है भाई तो कोई सब्जी वाला है, हम माल लेके जाते हैं सब्जी बेच में जाते हैं तो भी दिक्कत ही है, वो दूध देने जाते हैं तो आए दिन की परेशानी होती है। जो आप प्रशासन यही निवेदन है भाई हमारी समस्या दूर कर दे। बारिश में भी यही समस्या, बारिश में तो क्या ज़्यादा है, बारिश तो अभी यही नहीं, बारिश पहले ही हाल हो रहा ना, तो बारिश आएगी जब तो पूरा भरेगा ही। चलो बारिश में तो मान ली बिजली दो तीन दिन का रहे, ये तो अभी भी यही हाल हो रहा है।